तो दोस्तों आज का सफर होता है शुरू हमारा इंदौर से लगभग 45 से 50 किलोमीटर के बीच की दूरी पर हम लोग आ पहुँचे हैं। ये खतरनाक सी ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग पहुँचेंगे आज जूना पानी वाटरफॉल, जो कि होने वाला है एकदम हिडन जेम है दोस्तों, एकदम हिडन वाटरफॉल है। आज पूरा इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। आगे की जानकारी आपको वीडियो के अंदर हर एक प्रकार की डिटेल्स भाई हमने इसमें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोहित परमार 2.0 में। दोस्तों तो एक बार फिर से हाजिर है आप लोगों की सेवा के लिए। दोस्तों तो आज फिर से हम लोग पहुंच चुके हैं एक और नई अनदर प्लेस पर। दोस्तों तो आज की जो ब्लॉग होने वाली है दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज जिस लोकेशन पर हम लोग जो दोस्तों अभी पहुँच चुके हैं वो एक हिडन वाटरफॉल है दोस्तों, जिसका नाम है जूना पानी वाटरफॉल, जो कि इंदौर से लगभग 30 से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ता है दोस्तों। तो यहाँ की खासियत यह है कि ये पूरा हिडन वाटरफॉल है दोस्तों, जिसका नाम अभी जूना पानी है, जो पूरा एकदम हिडन वाटरफॉल है। आप लोग यहाँ पे विजिट करने आ सकते हैं। यहाँ पे जो विलेज है दोस्तों उसका नाम है भगौदा विलेज, तो काफ़ी खूबसूरत सा वाटरफॉल है जिसके बारे में बहुत सुन रखा था मैंने, मतलब एक दो ब्लॉग भी इसके ऊपर पहले से बने हुए हैं, तो मैंने वो देखा, खूबसूरत सा लगा। तो चलो आज वही इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो आज संडे का दिन पड़ गया दोस्तों, आज इतना ज़्यादा भीड़ हो रखा है यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता। और यहीं जब गांव पे आते हैं तो पूरा कच्चा रास्ता पड़ता है, मैंने वीडियो में आपने देखा होगा एकदम खतरनाक रास्ता था, ऑफ रोडिंग का खतरनाक वाला। और यहाँ पे ये खेत टाइप का, इसके अंदर पूरा पानी भरा पड़ा हुआ है, रश भयंकर रश है आज, इतना ज़्यादा गाड़ी है, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो अभी यहाँ से आपको ट्रैक करके दोस्तों जाना पड़ेगा, 2 से 3 किलोमीटर का जो ट्रैक है पैदल यात्रा का, तो आपको 2 से 3 किलोमीटर का दोस्तों पूरा ट्रैक करना पड़ेगा पैदल ही ऑफ रोड, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे जूना पानी के पास। तो चलो चलते हैं अभी बिना देरी किए, यहाँ पर सिनेमेटिक शॉट्स भी लेते रहेंगे, तो चलो चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों ट्रैकिंग शूज़ का उपयोग करें अगर कोई ट्रैक पे जा रहे हैं तो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा, बिना ट्रैकिंग शूज़ के तो बिल्कुल ही मज़े नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसा जंगल है दोस्तों, ये घना जंगल, तो चलो फटाफट आगे और चलते हैं, आगे चल के बात करते हैं। दोस्तों अभी पूछ लेते भैया से कितना दूर और बचा हुआ है। भैया कितना दूर बचा अभी, पास में ही क्या?
पानी कितना है? बहुत है, पानी नीचे जा रहा है। अच्छा, अभी नीचे उतरना पड़ेगा। वो कितना है? एक किलोमीटर और है। चलो धन्यवाद। तो वादियों में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग नेचर के पास आ चुके हैं दोस्तों। यहाँ पे जो फील आ रहा है दोस्तों, जो ऑक्सीजन लेवल है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी ऑक्सीजन हम लोग को प्राप्त हो रही है दोस्तों। काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे हैं एवं हरियाली बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। इधर का शॉट इधर ही किधर वाटर भरा दोस्तों। अभी 2 किलोमीटर और बचा हुआ है कि 1 किलोमीटर बचा है, यहाँ से नीचे उतरेंगे हम लोग। चलो चलते हैं और वो भी आपको एक्सप्लोर करके दिखाते हैं अभी। तो इधर का शॉट देख लीजिए आप तब तक। अभी हम लोग यहाँ से आ चुके हैं, नज़दीक ही आ गए हम लोग। अभी यहाँ से नीचे ट्रैक करेंगे पूरा। तो तब तक आप लोग ये टाइम लैप्स देख लीजिए। और इधर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, इधर से पानी जा रहा है पूरा रिवर का और जंगल के बीचों बीच नेचर की खूबसूरती में हम लोग दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं हाफ डेस्टिनेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ से वाटरफॉल के लिए जाएंगे। शायद आगे ही वाटरफॉल है। यूट्यूब यूट्यूब पे क्या नाम है? मोहित परमा 2.0। स्वेट हो गया था तो अभी मुंह धो लिया और आगे चलते हैं मेन वाटरफॉल की ओर। तो पानी के बीचों बीच होते जाना पड़ रहा है दोस्तों। पानी में से होते हुए हम लोग अभी गुजर रहे हैं, काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ तो केदारनाथ जैसा रश हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा रश है अभी, ये देखिए आप लोग पूरा रश।
इतना रश। तो दोस्तों वाटर जूना पानी वाटरफॉल में आपको ऐसे ऐसे वाटरफॉल तीन चार देखने के लिए दोस्तों मिल जाते हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश है। पहला वाटरफॉल आपने उस साइड देखा होगा, पीछे की साइड दिखाया था अभी, ये दूसरा वाटरफॉल है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये तीसरा वाटरफॉल है। इसके जस्ट आगे जो है वो मेन वाटरफॉल है, चलो वहाँ पे चलते हैं हम लोग बिना कुछ देरी किए हुए। भाई लोग को जोश को देखते हुए अपना भांजा भी वहां चढ़ गया है और वहां से वो जंप करेगा। ये तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पे एक मेन सा पोर्शन है जिसमें पूरे में काई लगी हुई है दोस्तों उतरने में। तो हम लोग वहाँ से आ चुके पार करके, अभी टायर से पानी चल रहा है। यहाँ पे मेन झरने पे आ चुके अभी हम लोग। बताया जाता है कि ये पानी जो पानी की जो गहराई है वो 20 से 25 फुट की गहराई है दोस्तों। तो चलो चलते हैं डीप वाटर में और एक्सप्लोर करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों एक झरना ये भी है और इस पानी की गहराई लगभग 20 से 25 फीट की गहराई है दोस्तों इस पानी की, जो आप लोग देख रहे हैं अभी बहुत गहरा पानी है। चलो थोड़ा आगे की ओर और चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली वी आर रिच, जहाँ पे हम लोग को आना था फाइनली डेस्टिनेशन दोस्तों हमारी यही थी। ये 20 फीट पानी गहरा है और जो झरना है, तीन चार झरने हैं जूना पानी वाटरफॉल में दोस्तों। और वीडियो का एंड दोस्तों 4 बज रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों इस झरने में नहा के मज़ा आ गया। जितने भी भाई है अब सभी लगभग नहा चुके हैं और टाइम भी अच्छा हो गया, अच्छा खासा हो गया। शाम के 5:30 बज गए दोस्तों। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। Thank you.
करता हूँ आपको आज का ब्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। जो भी जूना पानी वाटरफॉल एक्सप्लोर करने आने वाला है दोस्तों उस पर वीडियो जरूर से शेयर कीजिए, लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। और ये पीछे छोटे से झरने आप लोग देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी आधी चढ़ाई कर चुके हैं, इधर जंगल है पूरा और बहुत ज़्यादा थक गए हैं। अभी बहुत खड़ी एकदम पूरी खड़ी चढ़ाई है, पूरी खड़ी चढ़ाई चढ़ के हम लोग आ रहे हैं। प्यास भूख दोनों लगी है बहुत ज़ोर से, बहुत थक गए आज, बहुत नहाए हम लोग, बहुत स्लीपरी जगह है। तो आप लोग जब नीचे जाओ तो आराम से आना, अभी हमको उस टॉप पर जाना है और पीछे का व्यू देखो। तो चलो चलते हैं जल्दी जल्दी। तो ऊपर चढ़ के आ चुके हैं, पीछे वेदर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए। और ये बहुत मेहनत के बाद हम लोग पीछे चढ़ के आ चुके हैं दोस्तों। तो चलो घर की ओर चलते हैं और वीडियो बताया करते हैं।